Welcome to COA CSS Online Academy. In this class, we will discuss difference in little, a little, the little, few, a few, the few. Little, a little, the little में क्या difference होता है? Few, a few, the few में क्या difference होता है? At the end of this class, I will assign you a task. There will also be a test related to this difference. This class is very helpful for MCQs, tests, single paper, FPSC, PPSC. NTS corrections in CSS, PMS, PCS, and spot the error in ECAD, MDCAD. Let us start. The first thing you must note down is that little, a little, and the little, they are used for uncountable noun. Ye basically quantity ko refer karte hain, like bread, fruits, juice, rice, meat, cereal, टी कॉफी मिल्क इन सब चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते कि ये दो राइस हैं या दो मिल्क हैं रादर दे कैन बी ओनली मेजर्ड और इन नाउन्स के साथ हम लिटल आ लिटल या द लिटल यूज करते हैं अब इनके तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है सबसे पहले हम लिटल को थोड़ा स्टडी करते हैं दिस इज यूज फॉर नेग्लिजिबल इनसफिशियंट अमाउंट जब क्वान्टिटी negligible insufficient हो और it can also be used in negative sentence जब sentence negative हो तब हम little use करते हैं for example इस glass के अंदर बहुत ही कम पानी है the glass didn't contain little water या हम ये कह सकते हैं कि glass contains little water कि बहुत ही कम पानी है जहां कहीं negligible insufficient amount का sense हो sentences के अंदर बहुत ही minute वहां पर आपने little का use करना है दूसरा जो इसके अंदर clue है कुछ sentences negative होते हैं not वाले होते हैं उनके अंदर भी हम little का use करते हैं for example have you got any money no very little यहां पर have you got any money ने कहा no मेरे पास मैंने कोई खास money नहीं ली बहुत ही कम money I have got लिटल के बाद हम आ लिटल को स्टडी करते हैं आ लिटल सफिशिएंट अमाउंट के लिए यूज होता है जब अमाउंट काफी सफिशिएंट हो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है फॉर एग्जांपल इस क्लास के अंदर मोर देन हाफ वाटर प्रेजेंट है फिल्ड है तो हम कह सकते हैं कि दिस ग्लास कंटेन्स अ लिटल वाटर फॉर एग्जाम्पल ही गेव अ लिटल स्माइल ठीक है यहाँ पर सफिशियंट स्माइल की बात है यहाँ पर हम अ लिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं लिटल अ लिटल के बाद जो नेक्स्ट आता है वो द लिटल है द लिटल हम तब यूज करते हैं जब कोई क्वांटिटी पहले मेंशनड हो और उसी को रेफर करना हो कि वही थोड़ी सी क्वांटिटी हम उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी सेंटेंस के अंदर एक तरफ क्वांटिटी का इस्तेमाल बताया गया और दूसरी तरफ उस क्वांटिटी की मिकदार बताई गई हो तो इस्तेमाल और मिकदार जब एक ही सेंटेंस के अंदर आ जाएं इस्तेमाल और मिकदार तब आप द लिटल यूज करते हैं फॉर एग्जांपल द लिटल जूस प्रेजेंट इन द ग्लास वॉज टेकन बाय द बेबी या आप कह सकते हैं द बेबी टुक द लिटल जूस दैट द ग्लास कंटेन्स कि ग्लास के अंदर जो जूस जितना भी प्रेजेंट था जूस वो बेबी ने ले लिया द लिटल का इस्तेमाल ऑल दैट के सेंस में भी होता है कि जितना था तो वहां पर भी द लिटल का इस्तेमाल होता है जैसे हमने इस सेंटेंस में देखा कि जितना जूस ग्लास में था वो बेबी ने पी लिया हैव यू एवर यूज्ड द लिटल माइंड दैट यू हैव क्या आपके पास जो माइंड है जितना है जितना थोड़ा सा माइंड है वो आप उस थोड़े से माइंड को इस्तेमाल किया है इस सेंटेंस के अंदर एक तरफ माइंड की कैपेसिटी बताई गई है कि द लिटल माइंड और दूसरी तरफ उसी के इस्तेमाल को बताया गया है कि क्या आपने उसको इस्तेमाल किया है या नहीं तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम द लिटल को यूज करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू ऑफ यू द फ्यू में डिफरेंस सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों वर्ड्स काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं मींस एग्स जो कि काउंट किए जा सकते हैं बुक्स काउंट किए जा सकते हैं चिल्ड्रन काउंट किए जा सकते हैं पप्पीज काउंट किए जा सकते हैं एप्पल्स हाउसेस रूम्स ये सब काउंटेबल चीज के लिए फ्यू ऑफ यू द फ्यू यूज होता है अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है इन तीनों की फिलॉसफी लिटल आ लिटल द लिटल से मिलती है जस्ट फर्क ये है कि ये काउंटेबल के लिए यूज होते हैं वो अनकाउंटेबल फ्यू यूज करते हैं जब नेग्लिजिबल नंबर ऑफ थिंग्स हो या नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं अ डे बिफोर द ईद हॉलीडेज यूनिवर्सिटी क्लास यूजुअली रोल्स फ्यू स्टूडेंट के ईद से पहले जो एक डेढ़ दिन होता है वहां पर उस तब बहुत ही कम स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं नेगलिजिबल स्टूडेंट्स तो हम कह सकते हैं कि फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ यू तब हम यूज करते हैं जब सफिशेंट नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में बात करनी हो कि काफी चीजें मौजूद हैं शी गॉट अ फ्यू स्टूडेंट्स इन हर क्लास उसकी क्लास में चंद स्टूडेंट्स सफिशियंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं द फ्यू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब चीज जो कि प्रीवियसली मेंशन थी उसी के बारे में अगेन
बताना हो, या ऑल ऑफ दोज के सेंस में कि जितने थे सबके सब को इस्तेमाल किया गया, या एक ही सेंटेंस के अंदर एक तरफ यूज और दूसरी तरफ उसकी नंबर ऑफ थिंग्स का मेंशन करना हो. द फ्यू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एन एकेडमी पास्ड देयर सीएसएस एग्जाम इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एकेडमी में एनरोल किया था, उन स्टूडेंट्स की कामयाबी, उनका जो पर्पस था, वो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बता दिया गया. तो जितने स्टूडेंट्स ने एकेडमी में एनरोल किया था, जितने चंद स्टूडेंट्स ने एकेडमी में एनरोल किया था, वो सब कामयाब हो गए. तलहा वांट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन. कि तलहा के पास जितने चंद दिन रह गए हैं, वो सारे के सारे सॉलिट्यूड में गुजारना चाह रहा है. अब इसमें भी क्या है कि एक तरफ नंबर ऑफ डेज मेंशन है, दूसरी तरफ उन डेज का इस्तेमाल मेंशन है कि वो उनको सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन में इस्तेमाल करना चाहता है सारे के सारे दिनों को. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दोज का सेंस भी मौजूद है कि जितने दिन उसके पास रह गए वो सब के सब इस्तेमाल करना चाह रहा है. नेक्स्ट आपके असाइनमेंट है, आपने लिटिल आ लिटिल द लिटिल फ्यू आ फ्यू द फ्यू इन सिक्स वर्ड से रिलेटेड आपने हर वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस फाइंड करना है. टोटल छह सेंटेंस बनेंगे. कहाँ से फाइंड करना है इसके ऊपर लेक्चर हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. बेस्ट सोर्स फॉर इंग्लिश ग्रामर प्रिपरेशन. तो इस लेक्चर के अंदर जो मैंने सोर्सेज मेंशन की है उनको यूज करें. इसके बाद आपका एक टेस्ट होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू कमिंग लेक्चर्स एंड टेस्ट.